मैं हूँ आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। बॉलीवुड के एक्टर इंद्र कुमार नहीं रहे, हार्ट अटैक की वजह से उनकी अपने घर पर रात 2 बजे के करीब मौत हो गई। उनको सलमान खान का करीबी माना जाता था। इंद्र ने 20 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों में काम किया था। आज हम बात करेंगे इंद्र की टॉप 5 मूवीज की और उसमें उन्होंने निभाई भूमिका के बारे में। 1996 में इंद्र कुमार ने मासूम से बॉलीवुड में एंट्री की थी। इंद्र के साथ इस फिल्म में एक्ट्रेस आयशा जुल्का नजर आई थी। निर्देशक महेश कोठारे ने इसे निर्देशित किया था। महेश के बेटे आदिनाथ कोठारे ने इसमें मासूम बच्चे की भूमिका निभाई थी। इसी साल यानी 1996 में इंद्र को बड़ी फिल्म मिली। अक्षय कुमार के साथ वो खिलाड़ियों का खिलाड़ी फिल्म में नजर आए। इस फिल्म में इंद्र ने अक्षय के छोटे भाई अजय मल्होत्रा की भूमिका निभाई थी। निर्देशक उमेश मेहरा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रवीना टंडन, रेखा, गुलशन ग्रोवर जैसे कलाकारों ने अहम भूमिका निभाई थी। सलमान खान के साथ इंद्र कुमार ने साल 2000 में आई फिल्म कहीं प्यार ना हो जाए में काम किया था। इस फिल्म को के मुरली मोहन राव ने निर्देशित किया था। फिल्म में रानी मुखर्जी ने बतौर एक्ट्रेस काम किया था। इसके बाद साल 2002 में आई तुमको ना भूल पाएंगे में भी सलमान खान के साथ इंद्र कुमार नजर आए, लेकिन इस बार इंद्र नेगेटिव रोल में दिखाई दिए थे। फिल्म को पंकज पारेषर ने निर्देशित किया था। इंद्र की इस भूमिका को लोगों ने सराहा था। साल 2009 में इंद्र फिर एक बार सलमान खान के साथ फिल्म वांटेड में दिखाई दिए। इसमें इंद्र ने अजय की भूमिका निभाई थी, जो सलमान का दोस्त होता है। इस फिल्म को प्रभुदेवा ने निर्देशित किया था। इन फिल्मों के अलावा भी इंद्र ने अमूमन 20 बॉलीवुड फिल्मों में काम किया था। इंद्र अपनी फिल्म फटी पड़ी है ना यार की शूटिंग कर रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।